हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी आज मैं पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे एक प्यारा सा मड हाउस बना हुआ है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, आज का दिन जो है मैंने यहाँ पे गुजारना है और आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी कामकाज की क्या रूटीन होती है। मौसम जो चेंज हुआ है, गर्मी आई है, तो गर्मियों के मौसम में रेसिपी में ये क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम के साथ साथ इनके खाने पीने की रूटीन, इनकी रेसिपीज़ जो होती हैं वो भी कुछ चेंज हो जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। सारा दिन यहाँ पर स्पेंड करना है और आज के कामकाज की रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी देखें जी, घर की जो वुमेन है ये अपने सरों पे घड़े उठाए जा रही हैं। अभी काफ़ी सफ़र करके जाना है इन्होंने, वहाँ से पीने का पानी भर के लेके आना है, क्योंकि इनके घर में हैंडपम्प तो मौजूद है लेकिन उसका पानी जो है वो कड़वा है, इसलिए पीने का पानी जो है इनको दूर से लेके आना पड़ता है। अभी ये पानी लेने के लिए जा रही हैं। जी फ्रेंड्स, काफ़ी सफ़र तय किया और अभी आप सामने देख रहे हैं ये एक टीला सा आपको नज़र आ रहा है रेत का। इस टीले के पार जो है ना पानी वाला कुआं है या पता नहीं कोई सोर्स है पानी भरने का, जो भी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी ये जाएंगे वहाँ से पानी भरेंगे और पानी भर के फिर वापस घरों को लौटेंगे। और फ्रेंड्स, वो सामने मेरी उंगली की सीध में देखें, वो घर है जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे थे और जो खवातीन है वहाँ से चल के आए हैं। इतना सफ़र किया है टीला क्रॉस करके। ये खाल है, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी जा रहा है, दो खाल है डबल, इस खाल से भी जा रहा है। ये नहर का पानी होता है तो ये लोग पानी पीने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर ज़मीन जो पानी है हैंडपम्प का वो कड़वा होता है। फ्रेंड्स, ये देखें पानी जो है ना इन्होंने भर लिया है और अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये चार घड़ों का जो पानी है इनको तकरीबन एक से डेढ़ दिन के लिए काफ़ी होगा। ये देखें जी फ्रेंड्स, इन्होंने सर पे ये शीशों वाला जो है ना, इसको लोकल ज़बान में सेनू वैसे कहते हैं, ये रख के सर के ऊपर फिर घड़ा रखती हैं। देखें इसको कितनी सजावट से सजाया हुआ है और यहाँ की वुमेन जो है ये घर पर ही तैयार करती हैं। फाइनली जी पानी लेके घर पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट इनके कामकाज की रूटीन जो है वो भी शेयर करते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं वीडियो शूट कर रहा था, मुझे याद आया एक सिस्टर है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो ना मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि भाई आप ना मेरे चैनल का हवाला दे दें, अपने व्यूअर को बता दें कि वो मेरे चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब कर दें। तो उनके चैनल का नाम है विलेज रूटीन विद शबाना। वीडियो की स्क्रीन पर आपको उनका शॉर्ट आउट भी नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप दोस्तों ने अब मोहब्बत दिखानी है, मेहरबानी करनी है, इनके चैनल को सर्च करके लाजमी सब्सक्राइब कर देना। जी फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी एक्टिविटी में बिज़ी है। आप देख सकती हैं छोटी सिस्टर जो है वो झाड़ू दे रही हैं, बाजी बैठी हुई हैं, अभी जो देसी मक्खन बनाने का प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और घर में ये अंकल भी बैठे हुए हैं, हुक्का वगैरह पी रहे हैं। इनके कामकाज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए जी, इन्होंने ये लाड़ प्यार से अपने जानवर पाले होते हैं तो इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये देखें बकरी का एक छोटा सा मेमना इन्होंने उठाया हुआ है और उसके साथ कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। ये देखें बड़ा प्यार करने वैसा इन्हें नाल जी हां, शौक तो पाले हुए ना ये बहुत शौक नाला सपले ने होने हैं। अच्छा, ये सारे बाल हैं। वाह जी वाह, देखें छोटा सा मेमना कितना खूबसूरत है। चौकेड़ियां दा उसी कितनी उम्र है? ये 15 दिया मैं। अच्छा अच्छा, ये
आपको येलो कलर की लेयर नज़र आ रही है, यहाँ मटन बनाने के जो आकार हैं वो काफ़ी हद तक नमाने हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रोसेस जारी है। ये देखिए इससे जो है ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं, मेहनत मतलब काम होता है, लेकिन जो वुमेन होती है ना गांव की, इनकी रूटीन बनी होती है डेली की, समझ लें कि इनकी एक्सरसाइज होती है, इसलिए इनको थकावट महसूस नहीं होती है। यहाँ पर शहर का भी नया बंदा आके काम करे तो उसको ज़रा मुश्किल भी लगेगा, थकावट भी होगी, तो थोड़ा सा प्राप्त बाकी है, जैसे ही मक्खन बनता है तो आपको प्राप्त। फ्रेंड्स, गांव में यही सबसे बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं वो बतौर ईंधन इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गैस की सहूलत होती है और ना ही बिजली की सहूलत मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डेजर्ट ही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इस और गैस की सहूलत ना होने की वजह से ये देखें इनको आग जलाने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी लकड़ियों की मदद से आग जला रहे हैं, काफ़ी देर से ये मेहनत कर रहे हैं, अभी आग नहीं जली। मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने सोचा बाहर चलते हैं, ज़रा व्यू आपको दिखाते हैं। बैकग्राउंड पे देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये स्मार्ट हाउस का, और फसलों के बीचों बीच ये घर बनाया गया। ये देखें सराउंडिंग में सारी जो है ना ये क्रॉप्स हैं, अभी पाकिस्तान में गंदम का सीज़न है तो गंदम की फसल है काश्त की हुई है, और यहाँ पर जानवरों के लिए ये देखें इन्होंने चारा काश्त किया हुआ है, अभी इन्होंने अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह काटना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर फ्रेंड्स जो है ना वो वीडियो में कमेंट करते थे कि हमें समझ नहीं आती ये मक्खन का जो पेड़ा होता है ये ऑटोमेटिक कैसे बन जाता है, तो अभी आप खुद लाइव देखें। ये देखें जैसे जैसे ये हैंडल जो है ना लकड़ी वाला ये रोल हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि जो मक्खन के ज़रात हैं वो आपस में कच्चे हो जा रहे हैं। ये देखें इसी तरह ये जब कच्चे हो जाते हैं तो हाथ शक्ल में एक पेड़ा बन जाता है। गांव के लोगों का सुबह उठते ही ये मामूल होता है कि वो गाय वगैरह का जो जानवर घर में रखे होते हैं उनका दूध निकालते हैं। अभी देखें अंकल जो है वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, फिर इसी दूध से ये चाय बनाते हैं। सबसे पहला काम इनका चाय बना के पीना होता है, चाय पीने के बाद फिर इन्होंने रात के टाइम दूध को जो जाग लगाई होती है उससे दही बन जाती है, दही से फिर देसी मक्खन और लस्सी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो घर की वोमेन स्टार्ट करती हैं। फ्रेंड्स, गाँव के तकरीबन हर घर में हैंडपम्प ही पानी के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ना गांव में बिजली होती है तो बिजली ना होने की वजह से इसीलिए ये हैंड पंप जो हैं वो पानी के इस्तेमाल के लिए यूज़ होते हैं। हर घर में ये हैंड पंप लगा होता है। देखें हैंड पंप की हालत जो है वो कुछ खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे बाजी जो हैं वो किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, पूछते हैं ये क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल हैं? ठीक बाजी, ये क्या बना रहे हैं आप? भैया रोटी। कौन सी रोटी बनाएंगे? ए मिसी रोटी भैया। अच्छा, क्या कुछ इसमें शामिल करेंगे आप? इधर प्याज, अच्छा हरिया मिर्चा, टमाटर और धनिया जी, और पिसिया मिर्चा, अच्छा, हल्दी और सूखा धनिया और नमक। अच्छा, उसको फिर आटे में मिक्स करेंगे? जी हाँ, ये आटा मालते वाला ऐसा रोटी पकाने, हफ्ते छः एक दफा लाजमी ऐसा ये रोटी खानी है। वाह जी वाह। देखिए जी, यहाँ की लोकल जुबान में इसको मिसी रोटी बोलते हैं, वैसे अगर आपको बताएं तो प्याज वाली रोटी कह लें, तो क्या इस प्याज वाली रोटी या पराठे का क्या प्रोसेस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा बाजी, मैंने अक्सर वोमेन को देखा है कि वो ना जब मक्खन बनाने का प्रोसेस आखिरी मराहल में होता है तो वो लस्सी में हाथ हिला रही होती हैं, जैसे आप हिला रही हैं, इसका क्या मतलब होता है? वही वास्ते हिलने से कि जड़ा मक्खन मतलब है कि बच्चा खड़ा होने थोड़ा बहुत वो निकल आने वो सा मतलब यही करते छागिंदे से बाद। अच्छा सही, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं जी। और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास लस्सी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये लस्सी जो होती है यहाँ के लोग नाश्ते में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ जानवरों को भी पिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में लस्सी पीने का मज़ा ही अपना है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने में सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी हैं,
हैं, तो उसके बाद रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अगर शूट करनी भी होगी तो रोज़े में तो ये चीज़ें नहीं खाई पी जा सकती ना। तो अभी जी मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा जी लस्सी का टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखें ना बैकग्राउंड पर चेक करें आप, विलेज का माहौल हो इतना VIP और साथ साथ सुबह सुबह ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो क्या ही मज़ा है। फ्रेंड्स आपने अक्सर यही देखा होगा कि सिंपल आटा गूंदा जाता है, लेकिन आटे के अंदर ये जो चीज़ें मिक्स की गई हैं, जो मिस्सी रोटी के लिए प्रोसेस है, शायद आप पहली दफ़ा देख रहे हो। आप देख रहे हैं आटे में इन्होंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, खुश्क धनिया, हल्दी, मिर्च, इन सब चीज़ों को ऐड किया है आटे के साथ मिक्स करके। अभी आटा गूंद लिया गया है, अभी इन्होंने बनाने हैं पराठे, प्याज वाले पराठे, जिसको लोकल ज़बान में मिस्सी रोटी कहते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों अंकल जो हैं सगे भाई हैं आपस में, देखें कितना इत्तफाक और प्यार से बैठे हैं, मज़े से बातें कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो भाई होते हैं ना दो, अक्सर शादी के बाद ऐसे ही होता है कि वो अलहदा हो जाते हैं, उनका रहन सहन अलहदा हो जाता है, यहाँ तक कि बोल चाल तक नहीं होता आपस में। लेकिन गाँव में लोगों का इत्तफाक देखें आपस में, देखें सगे भाई और कितने मज़े से बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। हाँ ये चाचा जी का घर कहाँ पे है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह छोटा भाई है। फिर गप शप लगाने आपके पास आ जाते होंगे? इकट्ठे बदलाने हैं, उठे भी चले गए, चौरी बजे इकट्ठे थे, इठा आए बैठे थे, उठे चले गए, इठा आ गया, इठा चले किताब आ गया। जबरदस्त, तो आप उठे थे सांगे चलो भी उन्हों को मिल जोड़ो, को चंगा की तरह चंगा सारे मेहमान आए खड़े, मेहरबानी दिया। थोड़ी सेहत ठीक है ना? ठीक शुक्र। तुसा वडे हो या चाचू वडे? चाचू वडे। चाचू वडे से छोटे हो? लग दे वडे। हां लग दे, तुसा वडे पे हो? जी हां जी हां। तुसा क्या काम कर रहे हो भाई? गई चरने माल चरने रहे, जानवरों चरने वाले घर च वेले भाई रखदा। अच्छा अच्छा जी हां जी। यहाँ पे इन्होंने जो घास काश्त किया हुआ है जानवरों के लिए, घास काटने हैं, घास काटने के बाद लेके जाएंगे घर में जो लोकल मशीन लगी हुई है, वहाँ पे उसको कुतरना है और उसके बाद जानवरों को डालना है। जानवर इनके काफ़ी हैं तो एक आध बंदे के बस की बात नहीं होती, इसीलिए ये लोग मिलके काम काज करती हैं। अभी ये देखें सारे लोग जो है ना मिलके घास काट रहे हैं। ये देखें ये सामने इनके जानवर बंधे हुए हैं और वो घास लेके आ रहे हैं और अंदर घर में जो है ना लोकल मशीन, वहाँ पे चारा कुतरेंगे। जानवर जो है मजे से चारा खा रहे हैं अभी।
इधर गाय बांधी हुई हैं और सामने जो है वो बकरी हैं, बकरियों को भी चारा डाल दिया गया है। और इधर जी इनका छोटा डॉगी जो उन्होंने पाला हुआ था, ये खुले आम मज़े से फिर रहा है। देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल माहौल है, ना कोई बिजली ना कोई वॉशिंग मशीन। अभी देखें ये पानी वाला खाल चल रहा है और ये बाजी लोग जो हैं इधर खाल पे आए हुए हैं और कपड़े धो रहे हैं। घर के जितने भी कपड़े थे ना, इन्होंने इसके खाल के पानी से धोने हैं। ये देखें जी, रवायती तरीका है यहाँ पे कपड़े धोने का। बर्तन है, बर्तन में इन्होंने कपड़े डाले हैं, सर्फ डाल दिए और अभी ये धोने लगे हैं। कपड़े धो के लिए हैं और घर पे ये देखें एक वायर इन्होंने बांधी हुई है और वायर पे इन्होंने कपड़े लटका देने हैं। अभी जब तड़ाके की धूप निकलेगी तो धूप में कपड़े जो है ये खुश्क हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कच्ची मिट्टी का घर और इन्होंने डेकोरेशन के तौर पर कुछ चीज़ें जो हैं ये रखी हुई हैं। ये देखें, इससे घर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। देखें कितनी प्यारी लग रही हैं ये चीज़ें इन्होंने। और ये हाथ वाले पंखे हैं, ये देखें ये टांके हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। जो बारीक लकड़ियाँ थी उनसे आग चलाना ज़रा मुश्किल था। अभी सहराई लकड़ियाँ जो है ना, ये लोग जाते हैं सहरा से इकट्ठी करके लकड़ियाँ ले जाती हैं। ये देखें ये लकड़ियाँ कुछ मोटी हैं, अभी इनको कुल्हाड़ी की मदद से काटा जा रहा है ताकि आग जलाने में ज़रा आसानी पैदा हो।
सुबह के नाश्ते में मिर्च टमाटर और लस्सी की चटनी जब तक बना के ये लोग नाश्ता ना करें तो इनका नाश्ता जो है ना वो अधूरा रह जाता है। अभी देखें ये मिर्च टमाटर को ग्राइंड किया जा रहा है, उसके बाद इसमें लस्सी शामिल करेंगे और बनाएंगे चटनी। ये चटनी नाश्ते के साथ इस्तेमाल करेंगे। और वहाँ पर सामने जो है वो बाजी जो है वो अंडे से ऑमलेट बना रही हैं। प्योर नेचुरल माहौल है और देसी इनका नाश्ता होता है। जैसे आप देख सकती हैं इनके पास देसी मक्खन है, लस्सी है और यहाँ पे मिर्च टमाटर की चटनी बनाई जा रही है। उधर जो है देसी मुर्गियों के अंडे उनसे ऑमलेट बनाई जा रही है और पराठे बनाए प्याज वाली जो रोटियाँ इन्होंने बनाई थी। प्योर इनका नाश्ता होगा। रोटियां रखने के लिए जो छाबा है ना ये भी घर की खवातीन ने इधर तैयार की है। देखिए कितनी मेहनत हुई है इस पर। और बाकी जो छाबियाँ रोटियां रखने के लिए ये सारी खवातीन ने घर में तैयार की हैं। फ्रेंड्स यहाँ से इस घर का एंट्रेंस है और देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं ये कोई एक्टिविटी कर रही हैं और इस साइड पे सिस्टर्स बैठी हुई हैं वो पराठे वगैरह बना रही हैं। घर का खुला सहन है, कच्चा इनका आंगन है और कच्चा ही सारा ये काम किया है दीवारों पे भी और कमरों पे भी। प्योर नेचुरल माहौल है। बैकग्राउंड पर भी आप देख सकते हैं सारी फसलें हैं जो इन लोगों ने काश की हुई हैं। फ्रेंड्स प्याज वाले जो पराठे थे वो भी बना लिए गए हैं, उसके बाद चटनी बनाई है, अभी ये अंडे से ऑमलेट बनाई जा रही है और इनके नाश्ते का प्रोसेस तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने को है। अभी बाजी बता रहे थे कि सेवइयां भी बनानी है। बाजी सेवइयां बनाएंगे ना नाश्ते में? जी हाँ, वो प्रोसेस जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी देर की मेहनत के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास देसी मुर्गियों के अंडों से बनाई गई ऑमलेट, उसके साथ लिक्विड फॉर्म में लस्सी और उसी के साथ देसी मक्खन और नीचे छाबे में जो है वो प्याज वाले पराठे। और बैकग्राउंड पे देखें आप नेचुरल जो है ना प्योर गांव का माहौल। अभी जी करते हैं सुबह का नाश्ता। ये सुबह की रूटीन थी जो आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी छोटा सा डॉगी है इन्होंने रखा हुआ है, देखें कितना शरारती है ये जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोग जो है ना मोटरसाइकिलों पे भी सफ़र करते हैं और गधा भी सवारी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये लड़का गधे पे सवार होकर जा रहा है। किधर लेना भाई? आटा गिना। आटा लेने कहाँ से? तादा कितु गिना लेने पे वे? देखे जी यहाँ से वो काफ़ी फासले पर ना चक्की है आटे वाली, वहाँ से ये भाई जो है ये आटा लेने के लिए जा रहे हैं और ये देखें गधे पे सवार हैं। चौकी देर लाग वैसे था पूछ दवाते को घंटा लाग। देखें जी एक घंटा बेचारे को लगेगा, एक घंटा सफ़र करने के बाद ये चक्की पे पहुँचेगा, वहाँ से ये आटा लेगा घर के लिए, आटा लेके वापस आ जाएगा। यार घंटा देखो लाग वैसी। अभी जो ये देखें व्यूअर टाइम जो है ना अभी 5:30 हो चुके हैं। तो वाल तेरे आया तक तो रोटी का टाइम थी वैसे घर ले भूखे बैठे हो सन। वाल केड़े ले पूछ यार तू शाम को? अच्छा वाल तो इंतजार करने बैठे थे घर वाले तेरी। हाँ। वाल जल्दी वन ना टाइम नाल ताकि पहुंच वन अट्टा घंटे आ वन। स्पीड चौकी है गधे दी? यो थोड़ी स्पीड दिखा, स्पीड तो दिखा। टूट दे नहीं। अच्छा
देखें जी कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं ये गांव वाले लोग। अभी देखें इतना सफ़र करके जाएगा, जाते जाते बेचारे को शाम हो जाएगी, वहां से आटा लेगा, आटा लेके फिर वापस घर आएगा।